शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। मैं वो हिंदू विरोधी उद्धव ठाकरे हैं। अगर थोड़ी भी विचारधारा अभी भी हिंदू की बाकी होगी तो आज वो अपनी रैली में हनुमान चालीसा पढ़कर वो शुरुआत करेंगे, नहीं तो हम तो युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ूं? ये सब दोगलापन। मुझे लगता है कि भगवा पहन कर ये कोई मैसेज नहीं, ये मेरा धर्म का प्रचार प्रसार है। मेरी पीढ़ी ने पहले भी किया है, हम भी करेंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी भी। हनुमान भक्त नवनीत कौर राणा की अभी खुद को हनुमान चालीसा के लिए पैशनेट बताने वाली नवनीत असल में पहले क्या करती थी, कैसी तस्वीरें खिंचाती थी। मोदी जी ने क्या बदलाव लाए हैं और क्या बदल सकता है ये मोदी जी ने सबको दिखाया है, तो शायद वो विचारधाराओं के साथ में। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे। अच्छा, हमको सिखा दिया है के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से। प्यारी समझ गई। शाबाश। पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ। क्या बोला तूने? पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में मैं जरूर बता सकती। बस हवा निकल गई। नवनीत राणा जी, मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। संस्कृत में ठोड़ी को कहा जाता है हनु। सही बात है। तब से उनका नाम, हनुमान जी। तो चुप, बिल्कुल चुप। आप इतनी हनुमान भक्त हैं, आपने पढ़ा नहीं हनुमान जी के? मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा जब जब संकट आई है, जब छोटे बचपन से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो हम जितना इसमें पढ़ती हूँ आपके बताने के बाद, अब जरूर इतिहास पीछे भी जाया जाएगा और पूरा इतिहास भी पढ़ा जाएगा। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, आप दोनों लोगों के बारे में। आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये पति पत्नी विधायक सांसद पब्लिसिटी के भूखे हैं। पब्लिसिटी पाने के लिए इनको लगा अच्छा राज ठाकरे ने कहा कि अजान होगी अगर लाउड स्पीकर पे तो हनुमान चालीसा होगी, तो उन्होंने लीड लेते हुए, झगड़ा ठाकरे ब्रदर्स का था, नहीं लीड तो ले ली ना हमने, लीड लेते हुए वहाँ पहुँचे कि इनको पब्लिसिटी मिल जाए। और फिर जब इनको लगा कि ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे तब इस पर भी राजी हो गई कि अच्छा ठीक है, अगर अमन चैन भंग होता है तो हम अपने घर पे रहेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। क्या है आपके हिस्से का सत्य?